गाली देगी तो मैं समझ जाऊंगा। हाँ, ये समझ जाएगा। तो फिलहाल अभी आपके करीबन 10 बजने आए। मैं आऊँ थोड़ा सा मार्केट में, इतने कुछ हालांकि भूख वो नहीं है, मैं रात के हिसाब से लेने आऊँ से लग रहा है। नो नॉट फूड, आई नीड सम बिस्किट्स एंड समथिंग एल्स। या नो, एक्चुअली मैं लेने आया हूँ कुछ बिस्किट्स और कुछ मिल जाए रात के लिए अपने को तो अपना काम हो जाएगा। इधर कुछ तो ओपन नहीं है, ग्रोसरी शॉप सारे इधर तो बंद दिख रही है भाई साहब, तो इधर जाने से तो कोई फ़ायदा नहीं दिख रहा। फिलहाल हम चलते थोड़ा सा आगे इधर, कि बाकी चीज़ें कुछ नहीं चाहिए हमको। ये हैव अपार्ट फ्रॉम अदर थिंग, इधर कुछ नहीं मिल पाएगा। नो, आपको क्या चाहिए? नो नो, फूड आई डोंट नीड, फूड नहीं चाहिए। कुछ ऐसी चीज़ जो पैकिंग रहे, ख़राब नहीं हो और रात को खाने में भी आ जाए। नहीं इधर, ओके। कब आगे, कितना दूर बुला? ओके थैंक यू। अपने को एक्चुअली चाहिए कुछ ऐसा कि बिस्किट जो बैग में पड़ा रहे, रात को भूख लगे तो खा लिया जाए, वरना नहीं भी खाएं तो भी हमारा काम बाद के लिए बचा। भाई बता रहे हैं इधर आगे कहीं शॉप ओपन है तो वहीं चलते, वहीं से कहीं अपन कुछ ना कुछ लेके आ जाएंगे। भाई साहब गजब लग रहा रात को तो यार ये, अरे मंदिर की बात कर रहा हूँ, मेरे को देखो मैं दिखाता हूँ आप। अरे जबरदस्त भाई साहब, ये इसके आसपास अगर लाइट होती ना मज़ा आ जाता सही में। ये देखो आप यार, कुछ बिस्किट कुछ मिल जाए तो अपना काम हो जाएगा। इधर लाइट बड़ी गजब की लग रही है यार इसमें। अरे इधर तो खुले ही नहीं कुछ, यानी ग्रोसरी शॉप ओपन दे, ग्रोसरी शॉप। हाँ कोई ग्रोसरी शॉप ओपन है इधर ऐसा कोई ओपन हो? कल नहीं, अभी रात के लिए चाहिए मेरे को। रात को चाहिए आप लोगों को मालूम है। चलो ठीक है। हाँ अपने पास गाड़ी है? नहीं नहीं, खाना नहीं चाहिए, खाना लेके आने के लिए। नहीं नहीं नो गाड़ी। इधर ओपन है जैसे? दुकान नहीं है, बस स्टैंड में मिलेगा। बस स्टैंड में मिल जाएगा? हाँ मिल जाएगा। ओके ठीक है, थैंक यू। सो फिलहाल इधर आगे चल के आते हैं यार अपन। भाई साहब प्रॉब्लम ये है कि अपने को अभी भूख नहीं है, लेकिन रात नो ऑलरेडी हैव। तो भाई साहब पूछ रहे थे कि रूम वूम का है हमारे पास ऑलरेडी? यार यहाँ मिल जाना चाहिए कुछ ऐसी चीज, रेस्टोरेंट है यार ये तो। यार अब क्या करेंगे भैया, वहाँ तक कौन जाएगा? देखते हैं भाई कुछ ग्रोसरी शॉप अपन मिल जाए तो भाई अपना काम हो जाएगा। पर देखो ना अब रात की 10 बजे हम ढूंढ रहे हैं कुछ बिस्किट विस्किट कुछ मिल जाए अपने को। ओ भाई साहब कुछ दिखा, और ये भाई साहब के पास मुझे लग रहा है कुछ मिल सकता है अपने काम। भैया हाँ इधर मिल जाएगा, 2 मिनट बाद। क्या चाहिए? बिस्किट्स एंड वही चीज़ें आपके पास है ना? है ना यार। मंदिर देखो रात को क्या गजब लग रहा है यार। तो फिर रात का मिशन हमारा सक्सेसफुल हो गया। हमको चाहिए तो कुछ बिस्किट विस्किट, क्योंकि खाना ऑलरेडी हम खा चुके थे, बस हमको चाहिए था कि कभी रात को अचानक भूख लग गया तो भाई साहब क्या करेंगे। क्योंकि जनरली बैग में मैं कुछ ना कुछ तो रखता ही रखता हूँ, लेकिन आज फिनिश हो गया। अब फिनिश हो गया तो क्या करें भाई साहब, कुछ तो रखना पड़ेगा। लेट थोड़ी नींद लेट खुली हमारी, मतलब मैं सोया हुआ नहीं था, लेकिन बाद में आया दिमाग में कि यार कुछ तो रखा ही नहीं खाने का आज तो। सब क्या जबरदस्त लग रहा है यार मंदिर। अभी फोटो लिए मैंने कुछ, बहुत शानदार फोटो आए इसके। अपन चलते हैं वापस रूम की तरफ। और यही है जी, अभी कम से कम 4-5 दिन हो गए मेरे को यहाँ पर, और यहाँ की सारी लगभग सारी चीज़ें हमने देख ली। लगभग तो क्या, बहुत सारी चीज़ें देख ली है, कुछ चीज़ें नहीं देख पाए हैं, तो फिर कभी अगर आना हुआ तो डेफिनेटली हम लोग वो चीज़ें भी देख लेंगे। बाकी अगर मैं बात करूँ यहाँ का मौसम की, तो मौसम काफ़ी अच्छा रहता है। दिन में थोड़ा सा आपको टेम्परेचर जब ज़्यादा हो जाता है तो गर्मी भाई साहब बड़ी गजब की लगती है, और बाकी तो नॉर्मल। अभी ठंडी ठंडी हवा आ रही है तो ऐसा कुछ नहीं। पानी अभी तक मैंने इधर देखा नहीं गिरा हुआ। हाँ यार 5-6 दिन हो गए बरसात का टाइम है, अभी तक मैंने पानी नहीं देखा इधर, तो हो सकता है बारिश कम होती होगी। एनीवेज फिलहाल अपन चलते हैं। इसी जुगाड़ में थे भैया कुछ, रात को अगर भूख लग गया तो क्या करेंगे अचानक।
और बाकी सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ सही चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात हुई नहीं अभी तक। डिज्जे और अभी भी बैठे हुए हैं, वो तो कुछ काम कर रहे हैं शायद। तो क्या काम कर रहे हैं चलो तुमसे पता करते हैं। तो अपना मोबाइल में लगे हुए हैं पंडित जी अपना, बस भाई बैठा हुआ अपना, और हम हमारा काम में लगे हुए हैं। वेलकम बिग गाइस, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में हमारे यूट्यूब चैनल भरत इंदौरी पर। और आप सबको मेरा यानी भरत इंदौरी का हेलो। फिलहाल आज हम लोग व्लॉग चालू कर रहे हैं दिन के करीबन 2 बजे। अब क्यों दिन के दो बजे, कारण सिर्फ इतना सही है कि भाई साहब आज हम बड़े कल टायर्ड से थे तो अभी रेस्ट कर रहे थे, थोड़ा कुछ काम था वो काम कर रहे थे। और फिलहाल आप लोगों के एक और खुशखबरी क्या है बताते हैं। चलो चलते चलते बताएं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाँ तो आपके लिए खुशखबरी क्या है वो हमारे लिए भी और आपके लिए भी है। हम थोड़ा सा रिवर्स गियर मार रहे हैं। रिवर्स गियर मतलब समझ रहे हो आप? हाँ आप समझ रहे हो, लेकिन क्या, चलो एक काम करो, सोच रहा हूँ ये ब्लॉग जब लास्ट में ख़त्म होगा तो उस समय मैं आपको बताता हूँ आखिर रिवर्स गियर्स क्या मार रहे हैं और क्या नई चीज़ होने वाली। नई चीज़ तो क्या है और क्या वापस से रिटर्न होने वाला है। रिटर्न मतलब ये है कि कुछ चेंज, वापस से कुछ घूमना। क्या बताता हूँ भाई, ब्लॉग के लास्ट तक बने रहो, आपको पता लगेगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। हम थोड़ा नीचे आए यार, थोड़ा चाय वाय पीने के हिसाब से आए हम लोग इधर, और अभी चलते हैं थोड़ा सा चाय पीते हैं, उसके बाद आगे का देखते हैं आगे क्या। बाकी धीरे धीरे लोग इधर उधर घूम रहे हैं। एक चीज़ मैंने ऑब्जर्व करी है, साउथ के लोग ज़्यादा आते हैं, मतलब अभी तक तो अपने उधर के लोग इतने नहीं दिखे मेरे को। और हम सोच रहे हैं कुछ थोड़ा सा, मतलब कुछ लस्सी वस्से तो कुछ नहीं पियेंगे, थोड़ी सी चाय और हल्का सा स्नैक्स ले लेंगे, तो उससे क्या होगा ना। बाकी रात को भी आए थे हम लोग इधर यार सीप के मोती बहुत, जो सीप या ये जो होते हैं अपने समुद्र की जो चीज़ें, उनसे जो चीज़ें बनती है ना वो बहुत ज़्यादा यूज़ होती है इधर, बहुत ज़्यादा मतलब चीज़ों से बनाई हुई है। तो उसके लिए रीज़न हो सकता है कि ऑब्वियसली समुद्र पास में है तो बहुत सारी चीज़ें समुद्र से की चीज़ों से बनाई हुई है। आप जिधर देखें उधर ये इस तरह का आपको झूमर हो गया, ये हो गया, जो भी हो गया, उसमें ज़्यादातर आपको जो है वो सीप के ही, मतलब इसके समुद्र के अंदर से जो चीज़ें निकलती है ना वही आपको मिलने वाली है। स्ट्रीट अभी मिडिल स्ट्रीट में चल रहे हैं हम लोग अभी, पर यार सीट दुख रहा है, पता नहीं कहीं से आज भगवान जाने। ऑटो आपको बहुत मिल जाएंगे, बस और ऑटो का इतना चार्जेस नहीं देखा मैंने, ठीक है मतलब नॉर्मल सही चार्जेस है, कोई ज़्यादा विशेष चार्जेस नहीं है यहाँ। मोबाइल लॉकर आपको जब मंदिर में जाना तो आपको लॉकर मिल जाएंगे, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। तो फिलहाल यार नारियल पानी पी रहे हैं, एक्चुअली नारियल पानी पिए बहुत दिन हो गए थे तो हमने सोचा चलो पानी पी लिया जाए, तो भी काफ़ी टाइम हो गया था। तो भाई लोग बैठे हुए इधर पानी तेरे कहीं नारियल के बाहर का रामेश्वरम का नारियल पीते हैं आज। एक्चुअली क्या है थोड़ा सा टायर्डनेस लग रहा है हल्का हल्का और थोड़ी आलसी आ रही है, तो वही सोच रहे हैं कि क्या किया, बनाना ले लेंगे एक दो बनाने, तो थोड़ी सी आज एनर्जी ऐसा लग रहा है थोड़ी सी कम लग रही है, थोड़ा सा फ्रूट खा लेंगे तो उससे थोड़ा फ़र्क पड़ेगा अपने को। भाई साहब समोसा भी इधर पर, समोसा खाने के लिए इच्छा नहीं। सो भाई अभी भाई का नाम अब बताता हूँ, भाई का नाम है सबरी, मतलब इसमें भाई में इतनी सबर है कि इसका नाम ही घर वालों ने रख दिया सबरी नाथन। और हमारे भैया भाई साहब चाय बहुत अच्छी पिलाई इन्होंने, मतलब अपन जब तक रहे तब तक अपने को चाय पिलाई और पैसे भी नहीं लिए भाई ने। अब आप सोच लो राजस्थानी भाई है भैया, अब इनकी दुकान भी मंगल करने का टाइम, अब सुबह वापस सुबह पाँच बजे तो सुबह वापस 5 बजे आ जाएंगे भाई। और बाकी धीरे धीरे भाई यूपी वाला ठुमका लगा हम 2 दिन से बोल रहे हैं, 3 दिन से बोल रहे हैं इसको भाई, तो यूपी वाला है यूपी गोविंदा का डांस तो बनता है भाई, गोविंदा का डांस तो बनता है, नहीं बनता है क्या? बनता है यार। तो बस ऐसे ही है जी। अब देखो अभी हाँ मैंने आपसे एक बात बोली थी कि मैं आपको शाम को एक बात रिवील करने वाला हूँ कि क्या होने वाला है, तो थोड़ा और लेट करूँगा, अभी नहीं कर रहे हम। आप जब तक पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तब तक रिवील नहीं करेंगे हम। और इधर भाई पता नहीं क्या गुल खिला रहा है वो, भगवान क्यों मुस्कुरा रहा है, ये सिगरेट बहुत पीता है,
ये देखो ये पकड़ लिया है इसको मैंने, ये सिगरेट बहुत पीता है, ये जरा गौर से देखे इस इंसान को, ये वही इंसान है जो भाग रहा है, गौर से देखे उस इंसान को, सिगरेट बहुत पीता है वो भी चुप चुप के पीता है, लेकिन हमने दुनिया के सामने ला दिए हम इसको, ये पूरी दुनिया में बदनाम होने वाला है, अभी सिगरेट बहुत पीता है, बोला नाम बदनाम वाले ही, क्या नाम वाले ही बदनाम है, जैसा डायलॉग है ना, जिसका नाम है वही तो बदनाम है। अरे नहीं यार एक डायलॉग है भाई, डायलॉग हिंदी, यू डोंट नो हिंदी ना, लिटिल बिट, अच्छा भाई सबरी है ना, उत्तर यूपी वाला बोला हिंदी नहीं भैया, हिंदी नहीं, हिंदी नहीं, अच्छा सबरी, अच्छा हिंदी, इसको तो आता ही है भाई को, तो उत्तर प्रदेश वाले हैं भाई साहब, तो कोई शक ही नहीं, और सबरी को नहीं आती, सबरी को इंग्लिश अच्छी आती है, हाँ इंग्लिश एंड तमिल, इंग्लिश करना, अभी हमसे तमिल में बोलेंगे तो हमको पल्ले नहीं पड़ेगा भाई, गाली भी दे दो तो पल्ले नहीं पड़ेगा, अपने वो गाली दे रहा बंदा, ये गाली दे सकता है, ये बंदा गाली दे सकता है लेकिन पल्ले नहीं पड़ना, अपने गाली देगी तो मैं समझ जाऊंगा, हाँ ये समझ जाएगा, मजाक कर, कोई गाली गलौज देगा तो नहीं, हम मैं तो नहीं समझ पाऊंगा, थैंक यू अपने गाली, और क्या थैंक यू, क्यों भाई मजाक कर रहा, सीरियस मत, सीरियस हो गया है बिल्कुल, हंस रहा, हालांकि सीरियस नहीं हुआ, सबरी को ठंड लग रही थोड़ी सी, आर यू फीलिंग कोल्ड, वाटर रूम, डांस नहीं आता इन लोगों को, भाई ने एक्चुअली गाना लगा रखा है और मैं डांस करने लग गया तो भाई ऐसा ही है भाई, आज अभी आजकल हम लोग इंस्टाग्राम पे वीडियो नहीं बना रहे यार, डांस की वीडियो, तो डांस की वीडियो तो बनते हैं अब, ये आ रहा बाबा, यही है जी ट्रेवलिंग का मजा, यही तो है।